नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड कप फाइनल के बाउंड्री रूल विवाद के बाद आईसीसी ने बदला है नियम। जाने अब टाई होने पर कैसे होगा फैसला। दोस्तों वो जानकारी मैं आपको पूरी बताऊंगा, लेकिन आप आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का समापन बड़े ही विचित्र अंदाज में हुआ। सुपर ओवर टाई होने के बाद इंग्लैंड को इस विश्व कप का विजेता बाउंड्री के आधार पर चुना गया था। इसके बाद विवाद उत्पन्न हो गया था, ऐसे में कैसे बाउंड्री के आधार पर किसी टीम को विजेता चुना जा सकता है। इस विवाद के 3 महीने बाद अब आईसीसी ने अपने इस नियम में बदलाव करने का फैसला किया है। आईसीसी ने हाल ही में ऐलान किया है कि अब आईसीसी के किसी भी इवेंट के सेमीफाइनल और फाइनल में अगर कोई सुपर ओवर टाई होता है तो उसके बाद एक और सुपर ओवर होगा, और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कोई टीम दूसरी टीम को एक रन ज़्यादा ना बना ले। दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकॉन को भी दबा देना।